इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का 8th क्वेश्चन करेंगे, जो है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको तो पता होगा आंसर, लेकिन आंसर हमने बनाना कैसे है वो सीखते हैं। तो देखो बुक, हमें गिवन क्या है, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने क्या करा, लेट्स अज्यूम दैट एंगल वन एंड एंगल टू आर कॉम्प्लीमेंट्री। हमने अपनी तरह से मान लिया उन दोनों को, एंगल वन एंड एंगल टू। उसके बाद हमने लिखा ऑल्सो, हमें और क्या गिवन था, हमें गिवन था कि जो एंगल वन है या एंगल टू है वो आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। एंगल वन जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, एंगल टू तो हमें पता करना है ना कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से कुछ मान लिया कि एंगल वन 50 डिग्री है, ग्रेटर देन 45 है, तो 46 से लेके 90 तक मैं कुछ भी मान सकता हूं उसको। ठीक है, मैंने 50 डिग्री मान लिया उसको। ठीक है, उसके बाद जस्ट मैं अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला होता है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करूंगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल वन की वैल्यू तो हमने ली है अपनी तरफ से 50 डिग्री, और एंगल टू हमें निकालना है, तो एंगल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब एंगल टू किसके इक्वल आया, 40 डिग्री विच इज, यहां पे हम लिखेंगे विच इज लेस देन 45 डिग्रीज, जो कि लेस देन 45 डिग्री है। तो यही तो उसने हमसे पूछा था कि एक अंगर अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, हमने आंसर अपना निकाल दिया विच इज लेस देन 45 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आएगा, लेस देन 45 डिग्री।